नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इकोटियर्स HAI ड्रॉप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, इकोटियर्स HAI ड्रॉप को आँखों में कैसे डालना चाहिए और इकोटियर्स HAI ड्रॉप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि इकोटियर्स HAI ड्रॉप को आँखों में डालते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। इकोटियर्स HAI ड्रॉप का उपयोग आँखों में सूखापन यानी आँखों की ड्राइनेस को ठीक करने के लिए इकोटियर्स HAI ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आँखों में कोई चोट लगने पर या आँखों में कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर इकोटियर्स HAI ड्रॉप को आँखों में डालने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि इकोटियर्स HAI ड्रॉप आँखों में जलन और खुजली होने से बचाव करती है और आँखों में नमी को बनाए रखती है। इकोटियर्स HAI ड्रॉप में आर्टिफिशियल आंसू होते हैं जो हमारी आँखों में नमी को बनाए रखते हैं और आँखों में इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं। आँखों की लेसिक सर्जरी या कैटराक्ट सर्जरी होने के बाद भी डॉक्टर आँखों में सूखापन और इन्फेक्शन को रोकने के लिए इकोटियर्स HAI ड्रॉप को डालने की सलाह दे सकते हैं। आँखों में सूखापन होने पर आँखों में जलन होना, आँखों में दर्द होना, आँखों का लाल होना, आँखों की दृष्टि धुंधली पड़ जाना, आँखों में भारीपन महसूस होना, आँखों में किरकिरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आँखों में थकान होना, पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने में परेशानी होना, आँखों में या आँखों के आसपास चिपचिपे म्यूकस का जमाव होना आदि लक्षण आँखों में सूखापन होने पर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में इकोटियर्स HAI ड्रॉप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन इकोटियर्स HAI ड्रॉप को आँखों में डालने के बाद आँखों की दृष्टि कुछ समय के लिए धुंधली हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को इकोटियर्स HAI ड्रॉप को आँखों में डालने के बाद आँखों में जलन, खुजली और आँखों में लालपन की समस्या ज्यादा होती है या लगातार बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर इकोटियर्स HAI ड्रॉप को बंद करने की सलाह दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इकोटियर्स HAI ड्रॉप को कितनी बार आँखों में डालना रिकमेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर इकोटियर्स HAI ड्रॉप को दिन में 2 से लेकर 3 बार आँखों में डालने की सलाह देते हैं, लेकिन इकोटियर्स HAI ड्रॉप की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको इकोटियर्स HAI ड्रॉप को आँखों में डालने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि इकोटियर्स HAI ड्रॉप को आँखों में डालते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। इकोटियर्स HAI ड्रॉप को आँखों में डालने के बाद इकोटियर्स HAI ड्रॉप के ढक्कन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और इकोटियर्स HAI ड्रॉप की बोतल की चोंच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है। इकोटियर्स HAI ड्रॉप प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी इकोटियर्स HAI ड्रॉप का उपयोग करना सुरक्षित है। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को इकोटियर्स HAI ड्रॉप को आँखों में डालने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका इकोटियर्स HAI ड्रॉप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।